हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप कैसे वॉइस ओवर डाल सकते हैं अपने वीडियोस पर यूजिंग जस्ट स्मार्टफोन्स। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आपने जो भी प्यार मेरे प्रीवियस टेक वीडियोस को दिया है। सो वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टेक टॉक्स। और आज के वीडियो में जैसे कि मैंने बताया हम बात करेंगे वॉइस ओवर्स की। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स जंप इनटू द स्क्रीन राइट अवे एंड सी आप कैसे इजीली वॉइस ओवर कर सकते हैं एंड ऐड कर सकते हैं अपने वीडियो फुटेज को एंड ऐड कर सकते हैं अपने वीडियो फुटेज में यूजिंग जस्ट योर स्मार्टफोन। और यहाँ पर हम यूज करेंगे सिर्फ दो एप्स को, एक क्विक जो कि मैं वीडियो एडिटिंग के लिए यूज करती हूँ जब भी मैं फोन पे एडिटिंग करती हूँ, एंड दूसरा है मेरा ऑडियो रिकॉर्डर जो कि अगेन एक नॉर्मल सा ऐप है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हमें दो सॉफ्टवेयर्स की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला सॉफ्टवेयर है क्विक जो कि ये है जिसमें मैं अपना वीडियो एडिट करती हूँ, एंड दूसरा जो सॉफ्टवेयर है वो है ये वॉइस रिकॉर्डर। ये दोनों ही ऐप्स जो हैं आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। सो आप जाइए प्ले स्टोर में, और जैसे कि मैंने खोल रखा है ऑलरेडी, तो सबसे पहले डाउनलोड करना है क्विक। तो मैं यहाँ लिखूँगी, इसको ज़्यादा कर देते हैं, ओके यहाँ लिखूँगी क्विक QUIK एंड ये आ जाएगा। आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा वॉइस रिकॉर्डर। तो जब मैंने ये वॉइस रिकॉर्डर डाउनलोड किया था तो मैंने सर्च किया था वॉइस रिकॉर्डिंग विद वॉइस रिकॉर्डिंग विद साउंड कैंसिलेशन, और इसमें मुझे ये मिला था एंड इसकी जो रेटिंग थी वो काफ़ी अच्छी थी, इसलिए मैंने इसको डाउनलोड कर लिया था। सो दैट वॉज अबाउट दिस ऐप। और आप सबसे पहले उस ऐप पे जाइए, वॉइस रिकॉर्डिंग ऐप पे, इसको ऑन कर दीजिए। अभी ये ऑन नहीं होगा बिकॉज ऑब्वियसली मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मेरी वॉइस भी रिकॉर्ड हो रही है इससे। तो आप इसको ऑन कर दीजिए, और ऑन करने के बाद आप जाइए वापस से अपने ऐप पर, क्विक वाले ऐप पर जहाँ पर आपने अपना वीडियो फुटेज एडिट करके रखा हुआ है। वीडियो फुटेज आपको पहले से एडिट कर लेना है, अदरवाइज आप वॉइस ओवर के हिसाब से डालोगे वो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वीडियो आप पूरा एडिट कर लीजिए, उसके बाद फिर आप जो है अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन करिए। सो मैंने जो है यहाँ पर एक वीडियो प्रिपेयर किया हुआ है, तो मैं इसको तो मैंने ये एक वीडियो ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा हुआ आप लोगों के लिए जो कि एक एडिटेड वीडियो है, और मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग भी लाइक इसको चला लिया, वॉइस रिकॉर्ड। स्टेप वन इज आपको अपना वॉइस रिकॉर्डर ऑन करना है, देन स्टेप टू इज़ अपना वीडियो ऑन करिए एंड देन जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग। वॉइस रिकॉर्डर ऑटोमेटिकली आपका जो आप भी जो भी बोल रहे हो वो रिकॉर्ड कर लेगा, एंड आप ऑब्वियसली स्क्रीन पे जो देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग ही बोलोगे। तो एक बार आपका जब ये डन हो जाए वहाँ पे जाके उसको पॉज कर दीजिए। तो व्हेन दिस इज़ डन जस्ट पॉज इट, एंड उसके बाद जो है आप जाएंगे अपने साउंड रिकॉर्डर पे, तो आप अपने साउंड रिकॉर्डर पर जाके इसको ऑफ कर दीजिए। कोशिश करिए कि आप फर्स्ट स्टेप में ही एक गो में ही क्लियरली बोल दीजिए, कोई मिस्टेक्स मत करिए। जस्ट इन केस अगर मिस्टेक्स हो भी जाती हैं देन आप इस वॉइस रिकॉर्डर में उसको ट्रिम भी कर सकते हैं। यहाँ पर जब आप जाएंगे ये जो नीचे हेडफोन्स बने हुए, और आप किसी भी रिकॉर्डिंग को अगर आप खोलेंगे तो उसमें ये देखिए एडिट कॉन्टेंट का ऑप्शन आ रहा है, तो आप उस कॉन्टेंट को एडिट कर सकते हैं यहाँ से। मुझे अभी इसको सीखने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है बिकॉज आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट। ये सॉफ्टवेयर मेरे लिए काफ़ी नया है, ऐप काफ़ी नया है मेरे लिए, तो अभी मैं इसको सीख रही हूँ। बट हाँ, आप यहाँ से इसको एडिट कर सकते हैं अपनी ऑडियो को, एंड देन जो भी फाइनल आपका वर्जन है ऑडियो का उसको सेव कर लीजिए, एंड देन आप अपने जो आपका वीडियो था वापस उस पर जाइए, और नीचे आपको ये जो तीन टैब्स दिख रहे हैं उसमें से म्यूज़िक वाले टैब पे क्लिक करिए, माय म्यूज़िक चूज़ करना है। यहाँ पे बहुत सारे म्यूज़िक ऑलरेडी है वो नहीं लेना है, माय म्यूज़िक पे जाइए, यहाँ पर म्यूज़िक लाइब्रेरी पे क्लिक करिए। आपका जितना भी ऑडियो आपने रिकॉर्ड किया था वो सारा का सारा यहाँ पर आपको मिल जाएगा, और उसके बाद मैं सिर्फ जो मेरा फुटेज है उसको मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी। उसके बाद सपोज जैसे क्योंकि शुरुआत में हमने बोला नहीं था, तो इसमें भी शुरुआत में जो है ऑडियो नहीं होगा बिकॉज हमने ऑन किया था पहले, फिर हम अपने वीडियो पे आए थे, फिर हमने बोलना शुरू किया था। तो उसके लिए आपको क्या करना है, नीचे जो सेटिंग्स का ऑप्शन है आपको वहाँ जाना है, और उसके बाद म्यूज़िक कहाँ से स्टार्ट होगा ये आपको यहाँ से डिफाइन कर देना है इस तरीके। ओके, मिल गया फाइनली। नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ आईटेक्स का शिकाका हेयर वॉश। दिस इज अमेजिंग गाइस, अगर आपके आस पड़ोस में आज उसको उसके साथ ऐड कर दिया एंड फाइनली आप बस डाउनलोड कर लीजिए यूजिंग दिस डाउनलोड बटन जो ये दिख रहा है आपको।
ये जो बटन आपको दिख रहा है ना, आप इसको क्लिक करिए एंड आप जो है आप अपना वीडियो डाउनलोड कर सकते हो. सो दैट वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. सो या दैट वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. लगा है तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय.